हम सब ने कभी ना कभी कुछ ऐसे वीडियोस YouTube पर देखे होंगे, कुछ ऐसे कोट्स पढ़े होंगे जिन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिया होंगे। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने ये वाला वीडियो तो नहीं देखा होगा। मैं हर बार जब इस वीडियो को देखता हूँ खुश हो जाता हूँ, एक नई उमंग सी भर जाती। इसकी म्यूजिक और विजुअल्स में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब है जो आप में एक नई जान डाल देगी। इस वीडियो का नाम है Where the Hell is Matt? ये 2012 में रिलीज हुआ था और तब से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट वीडियो। Try it out. Where the hell is Matt 2012? और अगर देखने के बाद आपको थैंक यू बोलने का मन करे तो यू आर वेलकम। हाय, मेरा नाम है रोहित भोसले और इस चैनल के जरिए मैं आपके साथ कुछ फन, इंटरेस्टिंग और अपलिफ्टिंग आइडियाज शेयर करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बी हैप्पी। 25 साल की उम्र तक मैं बस भाग रहा डिस्कम्फर्ट से। जहाँ कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती, ये एक छलांग मारता और किसी और चीज़ को पकड़ लेता जो कंफर्टेबल होती। अपने विचारों में ऐसा लोट पलोट करता कि बस पूछो मत। और फिर अपने मंकी माइंड की तरह मैं भी एक बंदर ही बन गया था। पर लाइफ में एक टाइम आता है जब आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहते हो इनफ, इनफ इज इनफ, नो मोर रेस्टलेसनेस, नो मोर एंग्जाइटी, नो मोर फीवरिशनेस, आई गॉट टू फाइंड अ वे। कहते हैं 28 साल की उम्र तक दिमाग पूरी तरह बन जाता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन मैं 29 साल का हुआ, आई मीन इट्स स्टिल हार्ड टू बिलीव फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग मी, बट उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा लाइफ में कुछ वर्थ वाइल करने का फोकस बढ़ चुका है। तो 25 साल की उम्र में फ्रस्ट्रेशन के उस मोड में मैंने एक डिसीजन लिया, मैं भी करूँगा विपसना। 2017 में मैंने विपसना की ट्रेनिंग ली और तब से अब तक मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विपसना में सजग होना सिखाते हैं, समता में रहना सिखाते हैं। वही, क्या ये बाउंसर जा रहा है? जाएगा। अगर कभी ध्यान नहीं किया तो बाउंसर जाएगा, पर अगर करोगे तो लाइफ में काम आएगा। वाह। तो इसी से रिलेटेड मार्क मैनसन की एक बहुत अच्छी बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसमें लिखा है द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इन इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड द एक्सेप्टेंस of a negative experience is a positive experience। मतलब अगर आप positive experiences की ही कामना करते हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और अगर आप negative experiences को accept करके relevant actions लेते हैं तो वो positive चीज़ों में बदल जाएगी। कहते हैं ना, life में अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है वो तब तक आपके साथ रहता है जब तक आप उसमें से कुछ lesson नहीं ले लेते। हैप्पी रहने का ये सबसे सरल तरीका है।